आज मैं आपको 7 कुरानिक दुआएं बताऊंगा जो बहुत अहमियत रखती हैं, और वो इतनी अहम इसलिए हैं क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो दुआएं हैं वो किसी न किसी नबी से उस दुआ का ताल्लुक है। तो अभी मैं आपको वो सिर्फ दुआ बताऊंगा कि कुरान में कहाँ पर है, अपनी आगे आने वाली वीडियो में एक एक दुआओं को डिफाइन करूँगा कि कौन से नबी ने कौन सी दुआ अल्लाह ताला से की और किस वजह से की, तब आप उसको और ज़्यादा इन्जॉय कर सकेंगे। तो सबसे पहली जो दुआ है सूरह अल फातिहा सूरह नंबर 1 कुरान की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। यह है पहली दुआ कुरानिक, बहुत इंपॉर्टेंट। उसी दुआ सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरतु हसना व किना अज़ाबन्नार। और जो हमारी थर्ड दुआ है वो है सूरे बकरा की, है सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1-7, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। और जो हमारी फोर्थ दुआ है वो है सूरह नंबर 21 आयत नंबर 87 की, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। जो फिफ्थ दुआ है वो है रब्बना ज़लमना अनफुसिना व इल्लम तगफिलना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये है सूरह नंबर 7 आयत नंबर 2-3 की। और जो सिक्स दुआ हमारी है वो है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 1-9 लास्ट, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वह हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम। जो हमारी लास्ट दुआ है 28 आयत नंबर 24, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो ये सारी दुआ अपने आप में एक बहुत अहमियत रखती हैं, और मैं जब आपको अपनी आने वाली वीडियो में हम एक दुआ की तफसील बताऊंगा कि कौन से नबी ने कौन सी दुआ अल्लाह ताला से की और अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई ये दुआ कि अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान में कर दिया। तो हम सबको अपनी ज़िंदगी में ये सारी दुआएँ हर हाल में याद करनी चाहिए, क्योंकि नबी ने अल्लाह ताला से मांगी हैं और अल्लाह ताला ने कबूल की है, तो इंशाल्लाह हमारी भी दुआएँ कबूल करेगा। अपनी दुआओं में इन सारी दुआओं को शामिल करें। जज़ाकअल्लाह खैर।